और इसी प्रयास में हमने एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछा जो मूड समझने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था हमारा, और वो क्या था ये आपको प्राची पराशर बताएं। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए चुनावी रिंग में अगर सबसे ज्यादा किसी बात की चर्चा होती है तो वो मुद्दों की चर्चा होती है, वो बात अलग है। चुनाव आते आते वो मुद्दे जरूर गौण से नजर आते हैं, लेकिन सवाल हमारा है यूपी चुनाव में कौन सा मुद्दा प्रभावी होगा, और जवाब इसके सामने आ चुके हैं। ध्रुवीकरण, 17% लोग मानते हैं कि ध्रुवीकरण एक बड़ा मुद्दा होगा। इसके अलावा किसान आंदोलन के पक्ष में 25% लोग हैं, यानी कि 25% लोग ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा होगा इस चुनाव में। हालांकि कोरोना को भी मुद्दा मानने वाले 18% लोग फिलहाल नजर आते हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था, जो हर बार हर चुनाव का मुद्दा होता है, उसे मानने वाले 15% लोग नजर आते हैं। हालांकि सरकार का काम, देखिए ये चौंकाने वाली बात है, सरकार के काम को सिर्फ 6% लोग हैं जो मुद्दा मानते हैं, यानी लोग समझ रहे हैं राजनीति के दाव पेज क्या होते हैं। हालांकि मोदी की छवि को 7% लोग ऐसे हैं जो मुद्दा मान रहे हैं, और अन्य कोई और मुद्दे हो सकते हैं इसके पक्ष में 12% लोग हैं नजर आते हैं राजेंद्र।